हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बड़ा लास्ट क्लास में अपना एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 9th और 10th शायद किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सम ऑफ पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ ए पी आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली। हमें दे रखा है एस पी, सम ऑफ पी टर्म्स ये वन है वो कितना है ए है, सम ऑफ क्यू टर्म है वो कितना है बी है, सम ऑफ आर टर्म वो कितना है सी है। तो आप अज्यूम कर लें लेट फर्स्ट टर्म of AP is A and common difference is D. Let first term is A of AP is A and common difference is D. माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है और सार व अंतर क्या है D है। अगर ऐसा है तो बेटा SP की वैल्यू क्या बनेगी, SP जो बनेगा आपका वो बनेगा बेटा P by 2, N by 2, 2A plus N minus 1 into D. इसकी वैल्यू गिवन आपको A, ठीक है, ये आपको फर्स्ट है। सेकेंड देखा Q टर्म्स का सम, तो Q by 2 plus 2A, Q by 2 plus 2A, N minus 1 into D. इसकी वैल्यू गिवन है B. एंड R टर्म्स का सम, तो R by 2, 2A plus N minus 1 into R. सॉरी एन नहीं आएगा, यहाँ भी पी आएगा, पी टर्म्स का सम है और ये क्यू टर्म्स का सम है और ये आर टर्म्स का सम है, इनटू यहाँ पर आएगा डी, कॉमन डिफरेंस डी है इक्वल टू सी, ठीक है। और जो हमें प्रूव करना है, प्रूव करना चाहिए ए अपॉन पी, ए अपॉन में पी चाहिए और बी अपॉन में क्यू चाहिए, सी अपॉन में आर चाहिए। देखो अगर मैं इस पी को, ये मान लो फर्स्ट है, सेकेंड है और ये थर्ड है, अगर इसमें P का डिवाइड करता हूँ तो देखो आप कह सकते हो 1/2 नेक्स्ट टर्म से यहाँ लिख देता हूँ, है ना, ऐसे थोड़ा सा फर्स्ट में देखना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, तो आप कह सकते हो 1/2 इंटू 2A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू A बाई पी बन जाएगी। इस P को उठा के इधर ले गए यहाँ पर, क्यों उठा के यहाँ पर ले गए ऐसे, ठीक है। ऐसे 1/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू बन जाएगी V बाई क्यू। ऐसे आप कह सकते हो 1/2 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू बन जाएगी R, ठीक है। हमें A अपॉन पी चाहिए, B अपॉन क्यू चाहिए, C अपॉन R चाहिए प्रूव करने में ना, और A अपॉन पी के इंटू में क्या चाहिए, Q माइनस R चाहिए। तो इस इक्वेशन को बोथ साइड, इस इक्वेशन को बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दो, क्यू माइनस आर से, तो इसको भी क्यू माइनस आर से इधर मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इसको मल्टीप्लाई करना किससे, पी आर माइनस पी से, तो इसको भी आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरफ, है ना, बोथ साइड तीनों इक्वेशंस को। इसको हमें चाहिए पी माइनस क्यू, तो ये पी माइनस क्यू या क्यू माइनस पी माइनस क्यू हो गया, ये मल्टीप्लाई कर दिया भाई माइनस करके ना, ओके। अब इन तीनों का ये क्वेश्चन नंबर मान लो फोर्थ है, ये फिफ्थ है एंड ये सिक्स्थ है, तो ऐड इक्वेशन फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ। तो बेटा इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, तो ये बनेगा ए इन ए अपॉन पी, ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू ये 1/2 यानी क्यू माइनस आर बाई टू इंटू में 2A प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। फिफ्थ लेगा आर माइनस पी अपॉन टू 2A क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे लास्ट में आपका मैंने कही है, चलो इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये पी माइनस क्यू बाई टू इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ठीक है, उसको देख लेना आप, ओके। अब इसको तो बेटा मैं एडिट किया, तो हमें इसको भी वैल्यू चाहिए हमें ना, इसको सोल्व करते हैं। तो क्यू माइनस बाई टू ए, टू ए से मल्टी, टू से कट जाएगा ना, तो यहाँ बचेगा क्यू माइनस आर इंटू में ए, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ बचेगा क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन इंटू में डी अपॉन में टू। अगर इसको खोला इससे तो ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से,
तो बनेगा आर माइनस पी इंटू में ए, फिर बनेगा आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन इंटू डी बाई टू, और यहाँ बनेगा पी माइनस क्यू इंटू में ए, और ये बनेगा पी माइनस क्यू इंटू में आर माइनस वन इंटू डी बाई टू। ठीक है भाई, अब देखो इस वाली टर्म के अंदर क्या कॉमन है भाई, ए कॉमन है, तो ए कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, तो बनेगा क्यू माइनस आर, यहाँ बनेगा आर माइनस पी, वहाँ बनेगा पी माइनस क्यू। ठीक है, इंटू में क्या आपका ए आ गया प्लस। अब देखो इस वाली टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, डी बाई टू कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। यह बचा क्यू माइनस आर, यहाँ बचा पी माइनस वन, यहाँ बचा आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस वन, यहाँ बचा पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस वन। ठीक है, अब देखो ये तो क्यू से माइनस क्यू से कैंसिल आउट, पी से पी कैंसिल आउट, आर से माइनस आर कैंसिल आउट, तो यहाँ तो बन गया जीरो। ऐसे ही डी बाई टू इतना शायद दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे तक, ये दे रहा है ओके। ये ब्रैकेट खोल देखो क्या बना, क्यू पी माइनस क्यू माइनस का आर पी प्लस का आर, इसको खोला यहाँ से, तो आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, यहाँ से पी आर माइनस पी माइनस पी माइनस क्यू आर और प्लस क्यू। अब देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल आउट हो गया, क्यू पी था तो ये रहा देखो पी क्यू माइनस का कैंसिल आउट, माइनस का आर पी था तो ये रहा प्लस का पी आर कैंसिल आउट, माइनस का आर प्लस का आर कैंसिल आउट, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल आउट, और ये पी से पी कैंसिल आउट, तो ये भी क्या बन गया बेटा जीरो। ठीक है, ये भी क्या बन गया पूरा जीरो बन गया, ये टर्म पूरी क्या बन गई जीरो। तो जीरो इंटू में क्या आ गया पास फाइनली, जीरो प्लस डी बाई टू इंटू में जीरो आया, तो फाइनली वैल्यू क्या बनेगी जीरो। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो इस जो टर्म की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी जीरो। ओके, यही प्रूव करना था वैसे, तो प्रूव ही करना हमें तो ना। चलिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये है ना, कई बार एग्जाम्स में आता है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ देखो, इफ द रेशियो सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ ए बी एम स्क्वायर ऑफ एन स्क्वायर सो दैट द रेशियो ऑफ एम एथ एंड एन एथ टर्म इज ओके। देखो बेटा, द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ एम टर्म्स ऑफ ए पी इज एम स्क्वायर। हमें दो टर्म, एस एम गिवन है, एक ए पी उसके एम टर्म्स का सम गिवन है, ए पी बड़ा एक है ना, और उसके एम टर्म्स का सम गिवन है कितना है, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो लेट, तो उनके एम एथ और एन एथ टर्म का सम का रेशियो चाहिए हमें। ओके, तो लेट ए पी फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। हमने मान लिया जो ए पी है उसके फर्स्ट टर्म कितना ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, थोड़ा उसके एम टर्म्स का सम कितना आएगा, तो कहेंगे सर एम बाई टू, तो एम टर्म्स का सम होगा एम बाई टू प्लस टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और उसके एन टर्म्स का सम कितना आएगा, एस एन वाएगा एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इनका रेशियो गिवन था कितना था, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो टू से टू कैंसिल हो गए आपके पास, यहाँ क्या बन गया आपके पास एस एम, और हमें चाहिए क्या फाइंड करना है, एस एम एथ टर्म का सम
एम एथ और एन एथ टर्म का रेशियो चाहिए, यानी ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसका रेशियो चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो बेटा ये लिखा हुआ है टू एम ए एम इंटू एम माइनस वन इंटू डी अपॉन टू एन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू डी। अगर यहाँ मैं टू एम का डिवाइड कर देता हूँ तो ये बनेगा ए प्लस एम इंटू एम माइनस वन। ठीक है, अपॉन में टू एम इंटू डी। ठीक है, एक मिनट रुकना भाई ना, एक मिनट थोड़ा सा इसको तो एम माइनस वन, एक मिनट रुकना बेटा, देख लो देखो ये काट लो एम से एम, यहाँ से एम से एम कैंसिल हो गया बेटा यहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा आसान बन जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा चीज़ें, इसको स्टेप स्किप कर दो। तो एम से एम कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल हो गया, तो बच गया बाहर ये टू ए बच गया प्लस एम माइनस वन इंटू डी बच गया, अपॉन में टू ए बच गया और एन माइनस वन इंटू डी बच गया, एम बाई एन बच गया। ओके, अब देखो यहाँ से टू कॉमन ले लो, अब ए प्लस एम माइनस वन बाई टू इंटू डी, और ये बन गया ए प्लस एन माइनस वन बाई टू और इंटू में डी इक्वल टू एम बाई एन। ठीक है, अब देखो अगर इसको एम टर्म बनाना है तो एम माइनस वन बाई टू इसकी वैल्यू क्या बननी चाहिए हमें, एम, तो यहाँ से एम की वैल्यू क्या बन जाएगी टू एम माइनस वन। ठीक है, और ऐसे अगर इसको एन एथ टर्म बनाना है तो एन माइनस वन बाई टू इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, क्या बननी चाहिए एन, तो यहाँ से बेटा एन की वैल्यू बन जाएगी टू एन माइनस वन। ठीक है, तो इस एन की वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर, इस एम की वैल्यू टू एम माइनस वन अपॉन में टू एन माइनस वन। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई क्या? चलो ये यहाँ पर काट लेना, मल्टीप्लाई मत करना मेरी तरह से, पहले गलती करती थी। ओके चलिए, आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।